सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि ब्लाउज को आयरन यानी कि प्रेस किस तरीके से लगाई जाएगी, जिससे आप बढ़िया फिनिशिंग से ब्लाउज को प्रेस लगा सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रेस करने से पहले और सिखाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसे कहते हैं हम गद्दी। दोस्तों, इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है, कोई भी कपड़ा आप नहीं लगा सकते। आप देखते होंगे हम जिस काउंटर पे कटिंग करते हैं इस पे यही कपड़ा होता है। ये कपड़े पे क्या होता है, तो मैं आपको अपने काउंटर की हालत दिखाता हूँ। ये गर्म प्रेस रखने की वजह से आप देखेंगे तो ये काफ़ी जो जल जाता है, और अगर ये कोई नॉर्मल कपड़ा होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा जल जाता है। लेकिन ये हैवी कपड़ा होने के कारण ये नहीं जलता। तो हमें क्या करना है, गद्दी के लिए एक कपड़ा लेना ऐसा ही, ठीक है, कॉटन या हैवी कपड़ा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस तरीके की गद्दी की शेप है, ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से शेप में कटिंग करनी है, क्योंकि हम ये जो शेप है मुड्ढों या बाजू प्रेस करने के काम में आती है। तो इस गद्दी को आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे डबल में और इससे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ का जो हिस्सा होगा इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके पहले कतरन भर लेंगे। कतरन भरने के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। ये दोस्तों हमने ये लगाई थी जिससे कि हम गद्दी को आराम से किसी कील या किसी पे टांग पाएँ, इधर उधर पाँव में ना आए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जब ये बिल्कुल ठोस हो जाती है प्रेस लग लग के, पहले ढीली रहेगी फिर ये ठोस हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आप देखते भी होंगे इस पर काफ़ी निशान है। तो ये गद्दी लेकिन काम की बहुत चीज़ है, इससे क्या काम में आती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज पे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज है, एक कस्टमर का हमारा ब्लाउज है, इसे हम प्रेस करके आपको दिखाएंगे। तो ब्लाउज पे प्रेस करने के लिए आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आप देखेंगे अपनी बाजू कि तुरपाई वाली है या बॉर्डर वाली है। तो अक्सर 90% आपकी बॉर्डर वाली होती है, लेकिन ये सिंपल जो है ब्रॉकेट का ब्लाउज बनवाया गोल्डन, तो इसमें आप देखेंगे कि तुरपाई वाली है। तो आप इसको देखिए गद्दी के ऊपर ऐसे रखेंगे और प्रेस लेने के बाद आप इसके ऊपर देखिए इस तरीके से प्रेस लगाएंगे। पहले एक हिस्से की तरफ लगने के बाद इसे ऐसे घुमाएँ और यहाँ भी आप इस तरीके से प्रेस लगा लें। तो ये आपकी इस तरीके से बाजू यहाँ पर प्रेस लग गई। इसी तरीके से दोस्तों, आप दूसरी तरफ की जो बाजू है उसको भी प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ की बाजू की हमने उल्टी तरफ से प्रेस कर ली है अभी। अब आपको क्या करना होगा, जो नीचे का हमारा जो घेरा होता है फोल्ड करने वाला तुरपाई का, उसको आप क्या करेंगे, उसको देखिए इतने इतने हिस्से में आप ऐसे रखें और इसे उल्टी तरफ से आप इसे इस तरीके से प्रेस लगाएंगे। तो देखिए लगने के बाद यहाँ पर हाथ लगा लें जिससे कि ये चिपक जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ का हिस्सा उभरा हुआ है और यहाँ का देखिए आपका बैठ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों, आप पूरी पट्टी पर नीचे वाले पर आप इसे इस तरीके से दबा दबा के यहाँ पर प्रेस लगाते चले आएँगे। तो दोस्तों देखिए, जब आप यहाँ पे पूरे उस पर प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका गला देखना होगा। तो हमारा गला देखिए बुकरम वाला गला है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए इसको गद्दी को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद आप इसे गले को पहले ऐसे रखें और इस पर हल्की हल्की प्रेस लगा लें उल्टी तरफ से। तो जब ये प्रेस लग जाएगी, अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से जो हमारी सेंटर वाली प्लेट होती है सीधी प्लेट, आप इस प्लेट को इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर लगाएंगे पहले प्रेस, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेस लगा लें और इसको फिर यहाँ पे प्रेस लगाने का रियाली प्लेट को ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ में इस तरीके से आपको रखना है सीधी की तरफ, जो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आएगी। और उसके बाद आपको प्रेस इस तरीके से लगानी है। तो आप देखेंगे तो ये आपके यहाँ पे प्रेस लग जाएगी और आप इसको फिर ऐसे घुमा के इस तरफ से प्रेस लगा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करके यहाँ पर प्रेस लगाएँ, ज़्यादा इधर लेके ना जाएं क्योंकि ये हुक वाला हिस्सा है, तो हुक के निशान ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो इसी का ध्यान रखेंगे जब प्रेस लगाएंगे, तो हुक की तरफ आपका ये पूरा नहीं होना चाहिए, वरना हुक के निशान ऊपर की तरफ आएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको हुक वाले हिस्से को ऐसे रख देंगे और ये प्लेट वाला जो निशान है आप इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पर फिनिशिंग हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर जो साइड वाला हिस्सा है दोस्तों, आप इसको ऐसे पकड़ें और ऐसे पकड़ने के बाद आप इसे ऐसे करके देखिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो ये आपका एक तरफ का फ्रंट आप देखेंगे प्रॉपर आपका जो है प्रेस हो चुका है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से क्रीज बेहतरीन तरीके से आपकी क्रीज होगी है और ये आपका फ्रंट वाला एक तरफ का हिस्सा आपका प्रेस हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, आप जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा लेंगे, तो नीचे तो हम प्रेस कर चुके थे, इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। पहले आप इसको ऐसे रख के आप अपने गले को रखेंगे
वो गले को मारेंगे एक तरफ से प्रेस, उसका दोस्तों इसे गद्दे को ऐसे घुमाएंगे, और घुमाने के बाद दोस्तों जो नीचे ये हमारी प्लेट होती है आप इस प्लेट पे ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल निशान से देखिए ऐसे करके आप यहाँ पे पहले एक प्रेस लगा लेंगे थोड़ी हाफ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पकड़ने के बाद बिल्कुल ऊपर, ठीक है, आपको इस तरीके से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद दोस्तों ऐसे रखेंगे इसे और यहाँ पर आप प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ही आपकी प्रेस लग जाएगी, फिर आप इसको ऐसे घुमाएँ और ऐसे घुमाने का दोस्तों यहाँ पर आप इसे प्रेस लगा लेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप इसको ऐसे रखें, ठीक है, और यहाँ पर आप इस पर प्रेस लगाएंगे तो यहाँ पे आप प्रेस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका आई वाला हिस्सा है, यहाँ पे हुक नहीं होते, तो आप यहाँ पर इस तरीके से प्रेस लगा लें। फिर लगाने का दोस्तों क्या करेंगे, इसे थोड़ा खोलें और ये वाला हिस्सा जो है जितना भी आप इस पर प्रेस लगा लें तो आप देखेंगे कि आराम से बैठ गया। फिर दोस्तों आप इसे इस तरीके से लेके आप इसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर देखें इसे इस तरीके से आप क्रीज बना लेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपके फ्रंट के दो हिस्से हैं जो वो आपके प्रेस हो चुके हैं। अब आपको करना बैक वाला हिस्सा, तो आपको पहले ऐसे करके जो बैक में प्लेट है आप बैक की प्लेट पे प्रेस लगाएंगे इस तरीके से। फिर दोस्तों आप यहाँ पे गले हैं जो आपके, आप इस गले पे प्रेस लगा लें, ये देखिए प्रेस लगने के बाद आप इसे ऐसे घुमाएं और घुमाने के बाद सबसे पहले आप गले की फिनिशिंग करेंगे तो गले पे हम प्रेस लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो प्लेट वाला हिस्सा होगा आप इस प्लेट वाले हिस्से को इस तरीके से करेंगे और यहाँ आप देखेंगे जो निशान था प्लेट का वो फिनिश हो गया और बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरीके दोस्तों जो इधर साइड में जितने भी झोल हो गए आप इसे हल्की हल्की प्रेस कर लें और पूरी प्रेस आप गद्दी के सहारे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी। और इसी तरीके दोस्तों जब ये वाली प्लेट आएगी तो इस प्लेट पर भी आप देखिए यहाँ पे अभी उठा हुआ हिस्सा है, आप जब इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से तो ये हिस्सा आपका कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगा और आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होगा आप यहाँ पर भी इसे प्रेस कर लें। और उसके बाद दोस्तों आएगा कंधे वाला हिस्सा, तो देखिए कंधे वाले हिस्से में आप इसको ऐसे रखेंगे और बैक वाले हिस्से में आप इसको हल्की हल्की प्रेस इस तरीके से कर लेंगे। ये आपका इधर का हिस्सा पूरा हो गया, अब बैक में आपका ये वाला हिस्सा बचा तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों जब ये आपका पूरी बैक फ्रंट प्रेस लग जाएंगे, अब बची आपकी बाजू, बाजू के पहले आपके मेन फिनिशिंग होती है आर्म होल वाली साइड, तो इसमें आपको क्या करना है, उसके बहुत काम में आती है गद्दी। तो इस गद्दी को आप देखिए अंदर की तरफ ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे डालने के बाद इसका जितना भी मार्जिन है आपको इस तरफ रखना है, ठीक है, कोई मार्जिन इधर नहीं होना चाहिए, आपका ओवरलॉक का सारा मार्जिन आपकी बाजू की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे प्रेस से इस तरीके से फिनिश करेंगे, आप देखेंगे सारा मार्जिन आपका इधर गया। और इसी तरीके दोस्तों आप देखेंगे तो अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको, मार्जिन आपका मेरी इस तरफ आ रहा है लेकिन ये मार्जिन आपको करना है बाजू की तरफ, तो इसे बाजू की तरफ कर लेते हैं हम। दोस्तों बाजू की तरफ मार्जिन करने के बाद इसको हम प्रेस लगा लेंगे और सारे मार्जिन को हम बाजू की तरफ कर लेंगे। जब भी आपका मार्जिन बाजू की तरफ हो जाएगा फिर इसे हम हटा के गद्दी को यहाँ पे देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे प्रेस। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपकी ये बाजू लग जाती है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बिल्कुल सेम आप दूसरी बाजू पर भी प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से हमने जो प्रेस लगाई है आप देखेंगे कि प्रॉपर फिनिशिंग आपको नज़र आती होगी और आप देखेंगे तो बाजू के जो आर्मोल वाला हिस्सा है ये भी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग है। आपको हम बैक साइड से भी दिखाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम बैक साइड से हमने जो प्रेस लगाई थी आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, आर्मोल की साइड में हमारी फिनिशिंग है और प्लेट वगैरह में सब जगह हमारी फिनिशिंग से हमने प्रेस लगा ली है। तो इस तरीके से आप कभी भी प्रेस लगाएंगे तो आपकी बहुत बढ़िया प्रेस होगी। अगर आपके पास गद्दी नहीं है तो आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं राय दूंगा आपको कि गद्दी बना लें। गद्दी आप बना लेंगे तो आप ये सूट के आर्मोल में भी लगा के आप प्रेस कर सकते हैं और बहुत जगह वो काम आती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।